अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अपने फार्म में ज़रा सा ना रेनोवेट कर रहे हैं, छोटा वाला जो फार्म है ना हमारा, इसको हम रेनोवेट करेंगे और इसको ज़रा सा सही करेंगे। तो रमज़ान के बाद अब जो है चीज़ें ज़्यादा सेट करना शुरू करते हैं। तो आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी गली है और ये हमारा फार्म आता है यहाँ से, और ये पूरी गली है। तो इस गली को हम साफ़ करके ना, ये ऊपर इन लोगों ने, गली वालों ने इतना कचरा वचरा फेंका बहुत सारा, तो मैंने साफ़ कर दिया है। खाने पीने की चीज़ें, थैलियाँ, सारा कचरा कूड़ा गली वाले फेंकते थे मेरे पास, और मैं समझाता भी रहता हूँ लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तो अब ये कहना है हमें कि इसको पूरी तरह से इस जाली को हटा देना है और नई तरह की जाली लगाएंगे। अब ये सिरिंज भी फेंकी है किसी ने, देखे इसमें कुछ भरा हुआ पता नहीं क्या था। तो हम और इस जगह को पूरा तरह से साफ़ करेंगे। यहाँ पे मैंने बनाए थे बकरों के खाने। हुआ ये कि जब तूफ़ान आया ना तो गली में भी हवा आई, तो इससे पूरा जो है ना ये पूरा एक तरह से गिर गया। तो उसके बाद ये खड़ा हो नहीं सका, सही हो नहीं सका, सब टूट गया। तो फिर मैंने इसको फिर से बनाया ही नहीं। तो अब इसको पूरा साफ़ करना है और गली को ऊपर से सही करना है। तो दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डंडे लगे हुए ना, इनको सबको हटा रहा हूँ और साइड पे जमा कर रहा हूँ। अभी इनको ना एक जगह पे इस्तेमाल करना है, वो बाद में दिखाएंगे आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो पहले अभी ना इन सब पे से जितने भी डंडे लगे हुए ना सबको हटाना है। दोस्तों मैं इस जाली को साफ़ कर रहा हूँ और ये पूरी जाली साफ़ हो गई है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ना एक चिड़िया का बच्चा भी फेंका। लोगों को पता है ना मैं जानवर पालता हूँ, तो मरे हुए जानवर ही मुझे ही दे देते हैं। कितने कितने दयालु लोग हैं, कितने रहमदिल लोग हैं। देखें वहाँ पे भी एक चूज़ा पड़ा हुआ है, किसी ने गली घर का जो है ना मरा हुआ चूज़ा फेंक दिया। कोई किसी ने वहाँ पे आगे ना एक थैली में बंद करके चील फेंक दी मेरी तरफ। मतलब अजीब हरकतें करते हैं, मरे हुए जानवरों को मेरे पास फेंकते रहते हैं, दफनाते भी नहीं हैं। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पोल वगैरह जमा किए थे और उनको मैंने इस्तेमाल करने का कहा था वहाँ से पीछे गली से। अब देखिए ये फार्म में मैंने इस्तेमाल किए हुए। हम आ गए फ्लैशबैक में, यानी आज से 1.5 साल पीछे जब हमने ये पहली बार ये बेल को लगाया था। ये बेल असल में हमारे घर की टंकी के ऊपर तक पहुंच गई थी, तो उसको हमने इस तरह से किया कि उसको ना नीचे उतारना था। अब हमने पहले सीढ़ी लगा ली और सीढ़ी के ऊपर जो है ना इस बेल को निकाल के हमने लगाना शुरू किया। बड़ा मुश्किल काम था कि ऊपर से बेल को नीचे शिफ्ट करना, और नीचे शिफ्ट करने के लिए हमें इसको ना थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ा और इससे ख़राब भी हो रही थी। तो शुरू शुरू में इसके सारे पत्ते झड़ गए और कुछ अर्से तक चली नहीं, तो हमें लगा कि नहीं चल पाएगी शायद। इसके अलावा हमने यही नोट किया कि ना आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ना जान पकड़ने लगी है। तो फिर कुछ हुआ यूँ कि ये बेल वापसी से चलना शुरू हो गई, और फिर हमने ये नीचे की पूरी जगह पे हमने पहले बालू मट्टी डलवाई, उसके ऊपर बजरी डलवाई और उसके ऊपर घास उग गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घास उग गई है और यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ चिल करती थी। तो आए अब वापसी आपको लेके चलते हैं आज के दिन। आपने देखा होगा कि ये जो है ना जाली पूरी नीचे थी और अब ये काफ़ी ऊपर हो गई है। इस तरह से किया है कि मैंने यहाँ पे डंडे लगा के इसको काफ़ी ऊपर कर दिया। अब ये मेरे सर से नहीं टकरा रही है, और ये देखें ये पोल लगाया हुआ है, इससे ऊँचा कर दिया। और आगे चलते जाएं तो ये वाली सारी जगह पे पोल लगा के ऊँचा कर दिया, क्योंकि ये वाला जो दरख्त था ना पपीते का, ये भी ऊपर ग्रो नहीं हो पाया था जाली की वजह से। अब हमने इसको ऊँचा कर दिया। ये देखें यहाँ पर भी एक पोल लगा हुआ है, वो भी एक पोल है, ये भी एक पोल है, इस तरह से ऊपर हो गया। और ये सपोर्ट भी मिल गई है, जब ये बेल यहाँ पर आ रही है ना इसके ऊपर पूरे पे फैलने लगेगी तो ये सपोर्ट होगा एक तरह से ना। तो इस वजह से मैंने ये ना पोल लगाए। बस ये है कि ये वाले फार्म में ना एक्सपीरियंस बड़ा क्लास का होता है। अब आप दाखिल होए, आपके सर पे पूरी तरह से ये चादर है इसकी बेल की, और आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इतना अच्छा सा फील होगा कि ना जैसे कि आप किसी जंगल में आ गए हैं। ये ऊपर चादर है बेल की, देखें इस तरह से ना, और नीचे आपको चूजे कछुए ये सारे जानवर घूमते फिरते दिखेंगे। वो कछुए हैं, इनको अभी नहलाएंगे हम। चिंकी और मिंकी दोनों नहा ली हैं, आप देखें आप कितने साफ़ सुथरे हो गए। क्यों भाई मज़ा आया भाई? हाँ मज़ा आया नहाने में। मूछें निकली हुई तुम्हारी, माशाल्लाह। तुम्हारी मूछें क्या? नहीं तुम्हारी नहीं, उसकी निकली हुई से मूछें। क्यों है ये मूछें, क्या है ये? नहीं कुछ भी कचरा लगा हुआ था। अच्छा आप साफ़ हो गई। ये बड़ी मेहनत से नहाए, बड़ी मुश्किलों से नहाए, तो इनके लिए एक ट्रीट बनती है, वो है तरबूज। तो ये आराम से तरबूज वरबूज ठूस लें, फिर हम इनको छोड़ देंगे। चलो आराम से ठूसो, कोई तंग करे तो मुझसे शिकायत कर देना। ये जैस्पर को देखें, माशाल्लाह से कितनी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है ये फीमेल है, तो इसके अंदर ममता बहुत है ना इसलिए, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। और वो हमारा आयाम से मानी इसके ऊपर से चलता हुआ चले गया बेचारा।
कछुओं के ऊपर पाँव रख के खड़ा हो गया, गया बेचारे नाराज हो गए, जा रहे हैं वापसी, छुपने जा रहे हो तुम लोग, है ना, यही काम है तुम लोगों के पास। नहीं नहीं तरबूज खाने आ रहे हैं, तरबूज खाने आ रहे हैं भाई, तरबूज ये वाला खाएंगे, चलो खाओ आराम से खाओ। इसे पूरी तरह से रेनोवेट करने के बाद ना अब हम उस गली को रेनोवेट करेंगे और ज़रा चीज़ें सही करनी है, रमज़ान में हम सही से कर नहीं पाए थे, लेकिन फार्म को ना थोड़ा बेहतर बनाना है क्योंकि अब धूप भी बहुत हो रही है, माहौल भी ऐसा है, ये कोड़ा कोई भी है फिर से शोर मचा रहा है, तो इस तरह से ना हमें ज़रा फार्म को थोड़ा सा सेट करना है ताकि हम और जानवरों को भी ला सकें और जो जानवर हैं उनका भी सही तरह से ख्याल रख सकें। वैसे ख्याल रखा जा रहा है लेकिन और सही से ख्याल रखने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मैं बिंकी के पास आ गया हूँ और ये इसलिए फिर से हिल रहा है हमारा क्योंकि ये जो है ना ये मेरा ये बकरे आ गए, मैं गिर जाऊँगा। बिंकी की तबीयत थोड़ी सी ना बेहतर हो गई है पहले से माशाल्लाह से, और इसका ख्याल सबसे ज़्यादा इसने रखा है, जैसे इसका ख्याल बिंकी ने रखा था ना तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब ये हो रहा है कि ना जब ये अगर धूप में बैठेगी बिंकी तो यही जाके बिंकी के साथ धूप में बैठ जाएगा, और ये सब आ गए तंग करने मुझे, बस जाओ ना यार बात करने देता करो। वाइट वाला बकरा भी अब मेरे पास आ जाता है, पहले मुझसे बहुत डरता था बेचारा, बहुत अच्छा अच्छा हो गया है ना, दोस्ती हो गई ना हम दोनों की उस दिन बिस्किट खिलाने के बाद से, ऐसे होती है दोस्ती। बस करो तंग नहीं करो, मेरे कपड़े गंदे कर दे तुम लोग चाट चाट के। इसे देखें ये वापसी जाके बैठ रही है, मैंने इसको बाहर निकाला था, अभी बाहर घूम के आ गई है, अभी वापसी अंदर जा रही है, आराम से जाके बैठेगी। अभी जो अंडे साइडों पर हुए हैं उनको भी अपने पास छुपाएगी इस तरह से और उनको सेकेगी। शाबाश गुड वर्क, बहुत ज़बरदस्त कर रही हो, गुड हो गया जी, ऐसे ही लगे रहो। चलो इसको बंद कर दें ताकि बाकी सब डिस्टर्ब नहीं करें इसको। और बिंकी हमारी ये साइड पे खड़ी हुई है। हाँ भाई बिंकी कैसी हो, ठीक हो? मेरी बिंकी अच्छी बच्ची है बहुत। और यहाँ पे आ गया है इनके लिए खरबूजे के बीज और वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी हैं कचरा, और मज़े ले लेके ये दोनों खा रहे हैं, हमारे बिंका और ये वाइट वाला बकरा, इसका नाम मैंने रखा नहीं था, कुछ बताएं आप लोग तो हम रख देते हैं पिंका, बिंका नहीं सॉरी। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और फिर आप देखें फार्म में और सारी चेंजेस आने वाली हैं, ज़रा सा हम लोग इसको फिर से नई तरह से थोड़ा सा सफाई वफाई करके थोड़ा अच्छा बनाने वाले हैं, तो देखते रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए, अल्लाह हाफिज़।